92.7 BFM પર ગુડ આફ્ટરનૂન, નામ છે મારું હિરેન. જો કે કોગ્નિટો શહેરની અંદર હંમેશા કંઈક નવું કરે છે, ને આ વખતે એમની મદદથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ 6:30 વાગે સૂર્યા પેલેસની અંદર એક એવી નોન ફિક્શન ફિલ્મ જે બનાવી છે જયદીપ વર્માએ, બાવરામન, અ ફિલ્મ ઓન સુધીર મિશ્રા એન્ડ ધ અધર ઇન્ડિયન રિયાલિટીઝ. વસે બાત કરતા હૈ બાવરામન કી, તો જયદીપ યે જો વર્ડ હૈ વો કઈ ઓડ લોગો કે લિયે યુઝ હોતા હૈ કે યાર યે તો બાવરા હૈ, તો યે વર્ડ કભી આપકે લિયે કિસી ને યુઝ કિયા હૈ કે જયદીપ તું બાવરા હૈ? See, बंबई में ऐसा है ना कि कोई भी नॉन कमर्शियल काम करता है तो उसको लोग बावरा ही कहते हैं. ये ऐसा एक माहौल है वहां पे जी. तो उस लेवल पे तो हमेशा ही कहे हैं, क्योंकि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स नॉन कमर्शियल रहे हैं, रियली नॉन कमर्शियल रहे हैं. तो और यही बात सुधीर मिश्रा को भी कही जाती है, क्योंकि हजारों ख्वाहिशें ऐसी उस टाइम पे जिस टाइम पे वो रिलीज हुई थी वो भी बिल्कुल अनकमर्शियल अलग किस्म की फिल्म थी. बिल्कुल, इन लोगों को बावरा ही कहा जाता है कि इंडस्ट्री जो कमर्शियल इंडस्ट्री है उसमें तो लोग इसको इनको बावरा ही कहेंगे. अच्छा, तो ये तो मतलब ऐसा ही है. मतलब मुंबई में मैंने मतलब अब जाके ये देखता हूँ कि अगर पत्थर मारेंगे तो बावरे लोग कम दिखाई देंगे, क्योंकि कमर्शियल लोग ज्यादा बनाते हैं. और ये मेरा सवाल एक ये भी है कि कमर्शियल फिल्म क्यों नहीं? कमर्शियल अनकमर्शियल नहीं सोचता हूँ, मेरे को जो कहानी कहनी है वही कहानी मुझे कहनी है. और ये मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बाद मतलब ये कहानी मुझे चुनती है. ये तो एक मतलब एक क्लीशे है कि कहानी आपको चुनती है, आप कहानी को नहीं चुनते हो, लेकिन ये सच भी है. और मेरे को नहीं करना है वो, क्योंकि वो कहानी मैं कहते कहते मैं खुद ही सो जाऊंगा. Okay. तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो मेरे को जो कहानी कहनी है वो, अगर मेरा लक खराब है कि मैं उस पर कमर्शियल फिल्म नहीं बना सकता हूँ, मेरा लक खराब है. कुछ लोगों का लक अच्छा है, जैसे राजू हरानी इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. वो उसी कन्विक्शन के साथ वो फिल्म बना रहे हैं जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरी फिल्म में कर, लेकिन वो ज्यादा कमर्शियल है, मेरा बैड लक है वो. मतलब जयदीप अपने दिल की सुनते हैं. हाँ, वो कह सकते हैं, कह सकते हैं. हाँ, तो यही कहेंगे हम. जयदीप, अब मुझे ये बताइए कि, वैसे मुझे नहीं, हमारे लिसनर्स को ये जानना है कि आप बड़ौदा में कर क्या रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि पहली बार बड़ौदा आया हूँ. बहुत सालों से मैं आना चाहता था, क्योंकि मैंने इस शहर के बारे में इतना सुना है, कल्चरल जो इथॉस है वो मेरे को एक्सपीरियंस करना था. बहुत अच्छी अच्छी बातें इस शहर से, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जिनको मैं एडमायर करता हूँ, तो मैं मुझे आना था. तो कॉग्निटो करके एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है यहाँ पे, वो मुझे लेके आए. उन्होंने इनवाइट किया है मुझे, एक स्क्रीनिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एक प्राइवेट स्क्रीनिंग है जो आज हो रहा है 6:30 होटल सूर्या पैलेस पे, बावरामन का. तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बड़ौदा देखने का भी चांस मिला है और बड़ौदा के लोगों को मिलने का चांस मिला है मुझे. यहाँ की जो ऑडियंस है वो ज्यादा शायद ऐसी फिल्म को पसंद करेगी देन जो बॉम्बे की ऑडियंस है. ये है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी और फिल्में ऐसी जगह आए. हमारे जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसी ऑडियंस मिले हमें, लेकिन बॉम्बे में नहीं मिलेगी आपको ऐसी ऑडियंस. ऐसे आप मतलब 50 लोग भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ. मुंबई में एक तो वहां पे डिस्टेंस वगैरह का भी प्रॉब्लम है, वहां पे मतलब एक थिएटर में जाना इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको 2 घंटे तो उसी में लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 50 लोग भी आपको मुश्किल से मिलेंगे उस शहर में जो ऐसी स्क्रीनिंग के लिए टाइम निकाल के आएंगे. वैसे ये बात तो है कि मुंबई में जो सालों से रह रहा है उसने भी शायद मुंबई पूरा नहीं देखा होगा. वैसे जयदीप, मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब बनाते हैं तब हमारे पास होने चाहिए कई सारे डॉक्यूमेंट, तो कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट है जो डॉक्यूमेंट्री में होने ही चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री के तौर पे नहीं बनाई है. उस टाइम पे वो फिल्म मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे कुछ बनाना था और मुझे उस टाइम पे 10 लाख रुपए मिल रहे थे, तो उससे फीचर फिल्म तो बन सकती नहीं है. तो मेरे को कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि इन पे एक फिल्म बनाई जाए, क्योंकि मैं काफी म्यूजिक का काफी बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत सारी म्यूजिक फिल्म देखी है मैंने, तो मेरे को एक बनाना था, तो इसलिए वो बनाई थी. ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरा मेन मकसद ये था कि वो फिल्म देखने के बाद लोगों को लगे कि हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन उस टाइम पे इतना बड़ा बैंड नहीं था. जी बिल्कुल. तो मैं चाहता था कि लोगों को क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो एक जितने लोग जानना चाहिए वो नहीं जानते हैं जी. तो मैं चाहता था कि वो फिल्म के माध्यम से वो हो जाए, लेकिन वो पीआर एक्सरसाइज नहीं था ऑब्वियसली, इट वॉज मतलब एक इमोशनल चार्ज्ड एक्सरसाइज था. Okay. वो मेरे लिए जरूरी था. मैं चाहता था कि मैं जिस तरीके से उस बैंड के बारे में फील करता हूँ वो जो लोग वो फिल्म देखें वो भी करें, ये था उसका ऑब्जेक्टिव. ओके. इसलिए अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आप भी देखेंगे, काफी मतलब चार्ज फिल्म है वो, काफी इमोशनली चार्ज फिल्म है. मतलब कि जयदीप वर्मा जब भी फिक्शन और नॉन फिक्शन फिल्म करता है तब वो सोचते नहीं, दोनों
उनके लिए एक है। लेकिन जयदीप आपको मिलकर मुझे ऐसा लगा कि एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते। वैसे ये बात बिल्कुल सही है। तो जयदीप जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए कोई आपका मैसेज? मैसेज तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जैसे लोगों को और भी बुलाइए आप, क्योंकि आपके जैसी ऑडियंस के लिए हम लोग तरसते हैं। के ये मैसेज है। वैसे आज हमारे शहर को भी कुछ नया जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच जयदीप, आप स्टूडियो में आए और अपना वक्त दिया और काफी सारा पता चला फिल्म के बारे में और आपकी फिल्मों के बारे में। सुंदर है 92.7 बिग एफएम, मने कहीं पण केबो है तो आरजे हिरेन बारोड आईडी से हमारा फेसबुक नो। बाकी बावरा मन विषय हूं तुमने आवती कले जणावीश, जरे आ फिल्म आज सांजे जोईने आवीश। सुरो सुनाओ, लाइफ बनाओ।